ऐसा नाना करते टोरेंट की आमद हो चुकी है। यहाँ पर टोरेंट कंपनी ने अपने नाखून और चुंगाल गाड़ दिए हैं और बहुत जल्द पूरी तरह से टोरेंट के हवाले हो चुका है मुमरा बिजली महकमा। देखिए जफरुल्ला भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि बीजेपी और सेना ये लोगों ने डिसाइड कर चुके हैं कि महाराष्ट्र के अंदर जी, और इवन महाराष्ट्र का छोड़ दीजिए, पूरे हिंदुस्तान में ये बदलाव ला रहे हैं, हर चीज़ को प्राइवेटाइज कर रहे हैं जी। अब आप ये मान के चलिए कि जो हमारी संस्थाएं थी जिसमें हमने प्रॉफिट कमाया था जी, उस तक को ONGC तक को बेच रहे हैं, रेलवे को प्राइवेटाइजेशन कर दिया है जी। तो मेरे ख्याल से देखिए, विरोध तो हर तरफ हो रहा है जी टोरेंट के खिलाफ, क्योंकि उसका जो मामला है वो इतना खराब मामला है जी। भिवंडी उसका एक नजरिया सामने रखा हुआ है जी, 4000 लोगों के ऊपर केस हुई, कितने लोग जेल गए, कितना ये हुआ, ये नहीं आना चाहिए। इसके लिए तो जितनी लड़ाई लड़ी जाए उतना कम है, लेकिन अगर ये आ गया तो इसका नुकसान बहुत बड़ा है। अच्छा, किसका? टोरेंट का नुकसान होगा? नहीं, लोगों का नुकसान होगा। हाँ, लोगों का नुकसान होगा। वैसे टोरेंट ने तो बहुत पैसे चलाए, लोग जरा MSC भी रहता है तो उसमें बिलिंग के अंदर ये रहता है कि पार्ट पेमेंट भी हो जाता है जी, एक महीने का नहीं भरा गया तो दूसरे महीना तीसरे महीना भी संभल जाता है जी। लेकिन टोरेंट के अंदर ऐसा नहीं है। टोरेंट के अंदर जो है, आप अगर बिल नहीं भरे आपको काट दिया जाएगा, आपने जरा से कुछ हो किया उसके बाद जब बिल जोड़ा जाएगा तो फाइन के साथ जोड़ा जाएगा जी। MSCB में ऐसा नहीं है जी, तो MSCDL के अंदर ऐसा नहीं है। अब सवाल ये है कि जब गवर्नमेंट ने एक चीज को ठान लिया है तो उसके लिए लड़ाई कितनी लड़ी जा सकती है? अब एक ही रास्ता बचा है, कोर्ट। कोर्ट के अलावा तो मेरे समझ में नहीं आता कि कोई चीज वो है। आंदोलन तो हो रहे जी, आंदोलन लोग कर रहे जी, विरोध करने वाले विरोध कर रहे, और उन विरोधियों में से मैं भी हूँ जी। मुझे टोरेंट से कभी लगाव नहीं है और हमेशा उसके खिलाफ रहूंगा मैं जी। आप लोगों ने इंतखाबात से पहले ये कहा था कि अगर टोरेंट मुमरा में आ गई तो हम सबसे बड़ा एहतजाज करेंगे। आज 31 को बहुत बड़ा एहतजाज हुआ मुमरा वालों का, दीवा वालों का और कलवा वालों का मिला करके, उसमें NCP नदारद थी। नहीं, ऐसा नहीं था। उसमें ऐसा था कि मैं उस आंदोलन में जाने वाला था, लेकिन मैं अपने घर के अंदर काम था, बिजी था जी, इस वजह से मैं उस आंदोलन में शिरकत नहीं कर सका जी, जिसका मुझे अफसोस है जी। लेकिन उसमें हीरा पाटिल भी हमारे राष्ट्रवादी का नगर सेवक है, पदाधिकारी है सर, वो आग्री सेना की हैसियत से गए थे ना सर। ये आग्री सेना के, लेकिन कितना भी है तो उनकी वाइफ जो है जी, वो हमारी नगर सेविका है जी, तो और वो हमारे नगर सेवक रह चुके हैं पहले। अच्छा, तो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन तो मिलता है। अच्छा, है ना, ये है कि तादाद के हिसाब से नहीं जा पाए जी। ना शमीम भाई भी हमारे बाहर हैं, और हमारे कुछ लोकल अवार्ड साहब उस दिन जो है महाराष्ट्र से उसका चल रहा था जो अजीत दादा का, ये वहाँ पे गए हुए थे। अच्छा। मैं मुंबई में था, मुझे थोड़ा बच्चे की तबीयत ठीक नहीं थी, इसकी वजह से मैं वहाँ पे नहीं जा पाया, लेकिन मैं दशरथ पाटिल साहब और मी मुमराकर, ये सब जितने लोग भी टोरेंट के खिलाफ लड़ रहे, मैं उनके साथ तन मन धन के साथ उनके साथ। भाई साहब, ये जिस तरह से आपने पहले भी जो है ना अपने आप को पेश किया था एहतजाजात के लिए, जिसके लिए आपको मुमरा की तरफ से लकब मिला था कि आंदोलन सम्राट, और अब इतना बड़ा मसला आ रहा है जिसके बारे में आप खुद कह रहे हैं कि ये नागहानी है जो बहुत मुश्किल में मुब्तला कर देगी मुमरा वासियों को और दीगर नागरिकों को, और आप खामोश हैं, आपकी जमात भी खामोश है। देखिए ऐसा है कि अभी इस पर हम लोग इलेक्शन से अभी छूटे जी, एकदम सडनली अभी ये लोग ने रख दिया प्रोग्राम जी, और इस पर और सबसे चर्चा करके इसकी एक व्यूहरचना हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से बनेगी, और इसके अंदर एहतजाज होगा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। अच्छा, ये जो जिस तरह से टोरेंट यानी यहाँ पर निजकारी के लिए प्राइवेटाइजेशन के लिए लाया गया है, इसमें कहीं ना कहीं NCP की हामी भी नजर आ रही है। नहीं, NCP का कोई लेना देना नहीं है। हाँ। देखिए, हमने विरोध में, आदमी एक MLA क्या कर सकता है, विरोध में ये कर सकता है कि वो लेटर देगा। अच्छा, कि भाई मुझे नहीं चाहिए, हमारे मतदार संघ में नहीं चाहिए, वो लेटर ऑलरेडी हमारे MLA ने दिया हुआ है। अच्छा, हम उसके विरोध में हैं, हमारी पार्टी की तरफ से आंदोलन हुआ, मैं तो अपनी पार्टी की तरफ से भी आंदोलन में गया। हाँ।
अजीज ने किया उसके उसमें भी गया जी, मी मुंबई करके अपने क्या नाम है उनका, और मुमरा के जो नौजवान लड़के बैठे जी उसके अंदर भी मैं गया जी, मैंने पार्टी लाइन से हट के भी आंदोलन में मैं शामिल हुआ। अक्सर आंदोलनों में आप पार्टी लाइन से हटकर मुस्लिम कायद की हैसियत से शामिल हुए, एनसीपी क्यों नहीं शामिल हो रही है सर? नहीं, एनसीपी एनसीपी ने खुद इसके खिलाफ मोर्चा खोला है ना सर, वो जो उसके बारे में भाई की शमीम भाई की सदारत के अंदर जी ये आंदोलन हो चुका है सर, वो तो उसके बारे में लोगों ने कहा कि वो नौटंकियां है। देखिए ऐसा है कि अभी लोग क्या बोलते हैं जी, गफरुल्ला भाई जी, इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं? अच्छा। लोगों की अपनी सोच है, किसी को मैं अच्छा लगता हूँ तो मेरे लिए अच्छा बोलेगा जी, किसी को मैं बुरा लगता हूँ तो बुरा बोलेगा सर। इन्हीं हरकत की वजह से आज रिजल्ट आया है आपके सामने, हालांकि आप जीते हुए हैं लेकिन मुखालफिन 30,520 वोट हासिल कर चुके हैं, जो आगे जो है ना कॉरपोरेशन में खतरनाक हो सकते हैं। ठीक है, अभी जिन लोगों ने वोट दिया उनका भी शुक्रिया, जिन्होंने नहीं दिया उनका भी शुक्रिया मेरी तरफ से ये कोशिश रहेगी, लेकिन भाई साहब कहीं ना कहीं एनसीपी में घबराहट है। मेरी तरफ से ये कोशिश रहेगी जी कि जो लोगों ने नहीं दिया उनको भी मैं अपना बनाऊं, वो तो आपके हैं, उनको भी अपना बनाऊं, उनके साथ भी बातचीत चर्चा करूं जी, और हमारी क्या गलतियां हैं जी उनसे डिस्कस करेंगे हम जी। लेकिन ये है कि मुमरा गौसा ने तो हमारे लिए बहुत बड़ा मतलब एक बहुत बड़ा रोल अदा किया जी, और हमको एक इज्जत दी है जी, उसके लिए मैं कभी मुमरा गौसा का एहसान भूल नहीं सकता जी। जिस तरीके से हम लोग इलेक्शन में गए और लोगों ने इज्जत दिया जी, उसके लिए मैं तमाम मुमरा कौसा के लोगों को, हर नौजवान नौजवान बच्चे नौजवान मेरी माँ बहनें बुजुर्ग नौजवान साथी सबको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उनको, और इंशाल्लाह ताला मेरी जात से कभी अपनी आवाम की गर्दन झुकने नहीं दूंगा। एक बात सिर्फ आखिरी की, यानी आज एनसीपी को इस बात यानी ये रियलाइज हो गया है कि भाई साहब के बगैर जंग जीती नहीं जा सकती है, क्या अब नाइंसाफियों को दूर करने के लिए जितेंद्र आव्वाल को राजी किया जा सकता है कि खराबी और खामियां जो है उसको दूर कर दिया जाए? देखिए ऐसा नहीं है, ये मैंने हमेशा कहा है एक चना भार नहीं फोड़ सकता, सारा झगड़ा चना भवन का ही है ना भाई। सुनिए ऐसा है कि जितने भी कारपोरेटर्स है, जितने भी पदाधिकारी है, जितने भी हमारे वार्ड प्रेसिडेंट हैं, जितने भी हमारी महिला प्रेसिडेंट हैं, सब ने मिल के सामूहिक, और मेरा ऐसा मानना है कि जो अपनी मोहब्बत में पार्टी की मोहब्बत में या एमएलए के चुनाव में एमएलए की मोहब्बत में जिसने एक नारा भी लगाया है जी कि राष्ट्रवादी जिंदाबाद या जितेंद्र आव्वाल जिंदाबाद, उनका भी जी इस जीत में पूरा पूरा सहयोग है। अच्छा, मैंने फिर कहा जी कि अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है, सबको सामूहिक मिलके चलना पड़ेगा जी, तो ही हम आगे बढ़ सकेंगे। इसलिए ये क्रेडिट में मेरी अकेले की नहीं है जी, इसमें हमारा काम है, हमारी मेहनत है, हमारी मशक्कत है जी, और हमारे कारपोरेटर्स का, हमारे पदाधिकारियों का, हमारा संघर्ष, महिला जितेंद्र अवार्ड की मिसेस उनका भी एक रोल है जो एनजीओ के थ्रू काम करती हैं जी, तो इसमें सारे लोगों का रोल है और वो सामूहिक रोल मिला के जी समझ जाइए कि हमारी जीत है। अच्छा, तो यानी हम इस बात पे पुरुम्मीद हैं कि आप जो है इस्लाह लाएंगे, जो नाइंसाफियां थी जो खामियां थी उनको दूर, जो कुछ चीजें कमी हुई है मैंने मुझे देखा बीच में मैं थोड़ा दूर दूर रहा हूँ जी मेरा, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं अब मुझे ये चीज करना पड़ेगा जी, भले कुछ लोग नाराज हो जाए शायद मेरे ऊपर जी, मैं नाराजगी से डरता भी नहीं हूँ जी, 30 साल हो गया मुझे राजनीति करते जी, जी। लेकिन कुछ ना कुछ तो मैं चेंज लाऊंगा आप पार्टी में इंशाल्लाह, कुछ ना कुछ जो गलत हो रहा है उसको मैं रोकूंगा, और अगर वो नहीं रुके तो सबक भी दूंगा। हमारा यकीन है, हमें यकीन है कि भाई साहब आंदोलन सम्राट अगर आंदोलन पर आमादा हो जाए तो यकीनन इनकलाब बरपा होगा। देखिए मैं आंदोलन करूंगा, ऐसे नहीं कि मैंने आंदोलन छोड़ दिया है जी, ये आंदोलन ने मुस्लिम मसाइल पे मैं बोलता नहीं हूँ जी, मैं बराबर बोलता हूँ जी और बराबर करता हूँ जी, लेकिन क्या है कि आंदोलन जो होता है ना जी उसकी एक ताकत होती है, ताकत होना चाहिए, आंदोलन को कंप्लीट करना चाहिए जी, आंदोलन करके छोड़ देने से मतलब नहीं है जी, इसलिए मैं आंदोलन कम करता हूँ, क्योंकि हमारी सत्ता है, हमारा एमएलए है जी, हमारे कारपोरेटर्स है जी, फिर जब हम ज्यादा आंदोलन करते तो लोग गलत हमको
कहीं ना कहीं नसीहत देते हैं कि आपके एमएलए इतने डैशिंग एमएलए हैं और आप लोग बार बार सड़क पे आंदोलन करते हो, तो ये कहीं ना कहीं रॉन्ग मैसेज जाता है। अच्छा। हमको खुद जी महानगर पालिका में लड़ाई लड़ना है इंसानी जरूरियात के लिए, जो हमारा अधिकार है जिसका हम टैक्स भरते हैं। महानगर पालिका हमारे टैक्स के ऊपर चलती है, जो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देता है टैक्स करने, ये हम देते हैं जी, हमारे लोग देते हैं जी, शहर देता है, मुमरा कौसा देता है, दीवादा तोली देता है जी, थाना देता है, उसी के बिना पे महानगर पालिका चलती है। तो हमें उम्मीद है कि टोरेंट के खिलाफ आप एहतजाज, बिल्कुल टोरेंट के खिलाफ मैं था हूँ रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत।